वतन वतन मेरे आबाद। सो हे गाइस, दिस इज कमलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपने ट्रेंडिंग वीडियो को देखा, इस तरीके से अपनी फोटो लगा अपना खुद का स्टेटस बनाना था, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, तभी वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। और जो साइड में आपको काइनवास एप्लीकेशन देख पा रहे हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को हम इसी एप्लीकेशन में एडिट करने वाले, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। और गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज इस तरह के कंटेंट मिलने वाले। तो गाइस, चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली यहाँ पे हमारा काइनमास्टर ओपन हो चुका है। अगर आपको काइनमास्टर में कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है, अदर कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आकर मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे प्लस कर जाना होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए, पे 16:9 पे आपको क्लिक कर देना होगा, तो कुछ इस तरह का इंटरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड में जाने के बाद एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए, इसके ड्यूरेशन को आपको 20 सेकंड तक लगभग यहाँ पे कर देना होगा। उसके बाद में आपको फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा, और आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, और मीडिया पे जाने के बाद उस टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब आपको करना क्या, इस टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा, फुल स्क्रीन में जाने वाला यहाँ पे फुल पे कर देना होगा, तो आपको यहाँ पे वीडियो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। आपको एक फोटो को पीएनजी बना लेना होगा, यानी कि उसका बैकग्राउंड इरेज करने बाद आपकी फोटो पे पीएनजी बन जाती है। तो आपको करना क्या होगा, लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, और मीडिया पे जाने बाद उस पीएनजी फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एंड में सिखाऊंगा किस तरीके से आपको पीएनजी फोटो बना सकते हो। तो गाइस, इस तरीके से आपको पीएनजी फोटो बनाने के बाद यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना होगा, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। इसके ड्यूरेशन को यहाँ पे लास्ट ले जाना होगा, फोटो को आपको लास्ट तक लेके आना होगा, बस आपको इतना काम कर देना होगा। अब आपको करना क्या होगा, जो आपने यहाँ पे टेम्पलेट लिया था उस पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको इसको क्रोमो की ऑप्शन पे जाने बाद इसको इनेबल कर देना होगा। आपका यहाँ पे कलर कुछ भी नहीं हटा तो आपको यहाँ पे की कलर में जाना होगा, और जो कलर आपको यहाँ पे टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो आपको करना क्या होगा, स्टार्टिंग पोर्शन पे आना होगा, आपको एक वीडियो की लिंक और डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उसको सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे जाकर आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो उसको यहाँ पे सबसे पहले इसके यहाँ पे इस तरीके से डाल देना होगा। उसको डालने के बाद इसको फुल स्क्रीन में कर देना होगा, और आपको करना क्या होगा, इसको सेंड टू बैक करना होगा, 3 डॉट पे जाना होगा, यहाँ पे सेंड टू बैक करोगे तो आपको करना क्या होगा, अब आपको करना क्या होगा, उस टेम्पलेट को आपको फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने इस टेम्पलेट को फिर से सेलेक्ट करने वाला, आपको क्रोमा की ऑप्शन पे जाना होगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना होगा। तो गाइस, आप देख पा रहे हो आपको वीडियो पे अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुका है, तो बस आपको इतना काम कर लेना होगा। अब मैं आपको वीडियो को चलाकर दिखाता हूँ कि हमारा वीडियो पे किस तरीके से बन चुका है। आपका टेम्पलेट में कुछ भी थोड़ी बहुत और दिक्कत आए तो यहाँ पे आप क्रोमा की ऑप्शन पे जाने वाला, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो बस अगर आपका वीडियो पे परफेक्टली तैयार हो चुका है, मैं आपको वीडियो को चलाकर दिखा देता हूँ। तो गाइस, आपने वीडियो को देख लिया, आपको वीडियो पे परफेक्टली बन चुका है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पीएनजी फोटो कैसे बना लेना होगा। तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपना डेटा ऑन करना होगा, और आपको यहाँ पे गूगल ब्राउजर में जाना होगा। आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में जाने में आपको करना क्या होगा, क्रोम ब्राउजर में आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे बी और जी लिखना होगा, आपको ओनली फॉर बी जी लिखोगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, remove.bg के नाम से आ जाएगी। तो आप जैसे क्लिक करोगे फिर से आपको एक नया एड्रेस मिल जाएगा। तो क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिमूव इमेज बैकग्राउंड के नाम से यहाँ पे आपको इंटरफेस मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पे जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे गैलरी का इंटरफेस मिल जाएगा। आपको ब्राउजर फीचर में जाना होगा, और आपको करना क्या होगा, एक फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, 3 डॉट पे जाना होगा, आपकी गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप जिस फोल्डर से फोटो सिलेक्ट करना चाहते हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पे इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो, इस फोटो को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लगेगा, अपने डेटा की स्पीड पे निर्भर करता है कि आपको यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है, पर आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर आपकी फोटो तैयार होकर आ जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे किस तरीके से फोटो को अपलोड किया था, आपके यहाँ पे फोटो का बैकग्राउंड इरेज होकर यहाँ पे आपकी फोटो सामने आ चुकी है। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, आपके यहाँ पे फोटो डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस, बस आपको इतना काम कर लेना होगा। बस यार, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज इस तरह के कंटेंट मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपकी फोटो डाउनलोड पे लग चुकी है, यहाँ पे डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।